Look at Tomatoma. वाह यार वाह, काफी सही डिसीजन था यार हमारा शिकार जाने का। सोचा नहीं था कि यार इतनी बर्फ मिल जाएगी यहाँ पर, लेकिन रोड की कंडीशन आप देख सकते हैं, पूरे रोड में पानी ही पानी है। काफी संभल के चलना पड़ेगा हम सबको। तो सर नमस्कार जी, बस हम दोनों में फोटो शूट क्लिक करते हैं पर थोड़ा। अच्छा। हाँ जी। तो गाइज कुछ ऐसी लोकेशन पे आ चुके हैं हम, ये आप देख सकते हैं चारों साइड बर्फ ही बर्फ है। बहुत ही सही डिसीजन रहा यार हमारा यहाँ शिकारी आने का। तो अभी हमारा यहाँ पर फोटो शूट चल रहा है, तो कोई ठाकरे साहब को फोटो निकालो यार। इसके अंदर ओ कहीं हिम तेंदुआ ना आ जाए। नीचे बोर्ड भी लगा हुआ, देखा तुमने रायगढ़ में तेंदुए का? नहीं मैंने देखा। ये ठाकुर साहब यहाँ से ऊपर जा सकता कोई बंदा? यहाँ से ऊपर हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ जा सकता है। रुक जा हमारा भाई, हम भी आ रहे हैं। तो ये देखिए हमारे दो राइडर आ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, कैसी लोकेशन लगी है आपको? बेरहम मजा आ गया, जो विस्टा से भरा था मन में वो सारा गायब हो गया। आप भी आइए दोस्तों और यहाँ का नजारा लीजिए, मजा लीजिए। तो ये देखिए अब यहाँ से धूप निकलनी स्टार्ट हो चुकी है। तो एक एक करके यहाँ पर सबका फोटोशूट चल रहा है। तो अगर आप ये फोटोज देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम अपनी स्टाइल का लिंक दे के रखेंगे, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं हमारे फोटो जो हम यहाँ पर शूट कर रहे हैं। तो गाइस ये देखिए हम कहाँ आ चुके हैं आखिर। ये देखिए बर्फ, कितना पैर हमारा नीचे बर्फ में जा रहा है। कुछ ऐसी बर्फ है यहाँ पर, हमारे जूते पूरे बर्फ से भर चुके हैं। कहाँ गया वो यार भाई, देख बर्फ कितनी है इसमें। ओए चारों तरफ कोरा ही कोरा, और हम यहाँ पर आसमान की ऊंचाइयों पर। भाई बर्फ देख सकते हैं आप, प्रधान जी के पैर देखो कितने बर्फ में दब रहे हैं। तो चलते हैं अब यहाँ से, काफी मस्ती हो चुकी है यहाँ पर। तो फिलहाल निकलते हैं अब सीधा शिकारी, तो अभी शिकारी में ही अगली ब्रेक लगेगी। पूरा थोड़ो ले पूरा, भाई साहब बहुत ही तगड़ी आई सर, बहुत ही तगड़ी कर रहे हैं। तो चलते हैं, बाकी दो बाइक वाले बंदे निकल गए हैं यहाँ से। बहुत सारे बंदे यार आज शिकारी माता के दर्शन करने आए हुए हैं। मैक्सिमम लोगों ने गाड़ियां यहीं पर ही आसपास ही लगाई है, पता नहीं क्यों, ये तो आगे जाके पता चलेगा।
फिलहाल अभी शिकारी माता का मंदिर 2 किलोमीटर रह चुका है, बहुत ही टाइम लग रहा है 1 किलोमीटर क्रॉस करने में। तो ये है ठाकुर साहब की ड्रीम बाइक डोमिनार। ओ तेरा लग रहे, ओ भाई यार यहां से आगे रोड बंद। ओए अभी यही, अभी इसको नहीं जाएगी। ऐसे रख इसको, तो वही ये देखिए बिना स्टैंड के हमारी बाइक यहाँ पर खड़ी हो चुकी है। काफी स्ट्रगल करने के बाद यहाँ तक हमारी बाइक पहुंची है। ये देखिए इतना का डिस्टेंस और हमारी बाइक यहीं पर ही फंस चुकी है। तो फिलहाल अभी का सीन ऐसा है कि यहाँ से आगे उसका हमें कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे जो है इतनी ज्यादा बर्फ है। तो अब हम बाइक के भी जो है आधे रास्ते में ही लगा के जय माता दी, जय माता दी करते हुए अब यहाँ से सीधा पैदल यात्रा करेंगे। चाबी निकाल दे, चाबी निकाल दे, यहीं तक ही आएगी ये। इसको स्टैंड लगा दे साइड स्टैंड, ऐसे रख दे मने ने स्टैंड को, एक साइड को बस लॉक कर दे। फिलहाल अपनी बाइक को यहीं पर ही लगाते हैं, जब वापस जाएंगे तो उस टाइम इसको निकाल देंगे। हाँ तो चल रहे इसको, ऐसे तेल वाली चाबी निकाली, तेल की चाबी निकाल दे। तो फिलहाल का सीन कुछ ऐसा है कि अभी यहाँ से पैदल चलेंगे शिकारी माता के मंदिर तक। तो एक भाई ने देखो यहाँ पर कहाँ तक अपनी बाइक पहुँचा दी थी और यहीं पर ही फंस के रह चुकी है। तो तभी मैं बोल रहा था कि बंदे यार आधे रास्ते से वापस क्यों आ रहे हैं। मैक्सिमम लोगों ने अपनी गाड़ी बाइक यहीं पर ही लगा दी है। हाँ अरे है बस यहीं तक ही है, यहाँ से आगे निकल जाएगी बाइक, यहाँ से आगे ठीक है रोड में बोल रहा हूँ। यहाँ तक निकाल देते ना पकड़ पकड़ के, यहाँ से आगे फिर निकल जाएगी बाइक। फिर अभी आगे भी तो जाना है जंजैड़ी, लेट हो जाएंगे। बहुत ही सही व्यू आ रहा है यार, सोचा नहीं था कि हमें यहाँ पर बर्फ भी मिलेगी। तो फिलहाल यहाँ से अभी पैदल चलते हैं और प्रधान जी अपने रिस्की बॉय फोटो लेने के चक्कर में वो प्यार से रख इसको, अबे दिखा मत फिर रगड़ते हुए जा, मैं तेरे को 500 रुपए दूंगा। अपनी सोई हुई शक्तियों को उजागर मुझे सब दिख रहा है माँ, मुझे सब दिख रहा है। जूते तो ऐसी यार भाई मेरे पास भी जैसे तेरे पास है। क्या करना, नीचे चलना, पार चले बंदे पार चले ना, बढ़िया रास्ता। अभी सारे बंदे यहाँ से नीचे जाएंगे। चलो सर चले, आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? चलो फिर बर्फ के बीचों बीच जाएंगे और नीचे कुछ प्यारी प्यारी सी फोटोज लेंगे जो आपको हमारे इंस्टा आईडी पे मिल जाएगी। एक बार फिर से कह देते हैं, अपनी इंस्टा आईडी का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में देके रखेंगे, अगर आप हमारे फोटोज देखना चाहते हैं। तो फिलहाल कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का, पंकु ले जरा
अरे नहीं हुए। पूरे जूते में बर्फ ही बर्फ घुस गई है। ये भी गुज्जर का ठिकाना है। मेला मेला लगेगा एक बार फिर से। पुंगनी है भाई, सॉरी। तो अभी इस प्यारी सी लोकेशन को करते हैं टाटा बाय। तो कम से कम ये 2 फीट या 1 फीट तो है, ये है ना, 1 फीट तो है, एक फीट तो है और 1.5 फीट है। नीचे नीचे होगी काफी गहरी, लेकिन हमने अभी घर भी जाना है इसलिए हम यहाँ नहीं रह रहे। तो अभी खाने पीने का क्या सीन है सर, भूख भी लगी है अब। पहाड़ों में मैगी नहीं खाई तो क्या खाया, मैगी मिलनी तो चाहिए, खा तो लेगी उसको। तो इस लोकेशन को छोड़ के जाने का कोई मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा। अभी हमें आगे भी ऐसी प्यारी प्यारी लोकेशनें आपको बतानी है।